सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। संजय कहते हैं, संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्सिति गोविंदम मुक्त्वा तोषिणम बभूवः। अर्थात ऋषिकेश भगवान को परंतप ने यानी अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद को कह करके, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके अपने तर्कस धनुष रख दिए। संजय कह रहे हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, इसके पहले अर्जुन ने अपनी बातें कही, वार्तालाप किए, तो अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र की जिज्ञासा थी कि क्या हो रहा है, और जिज्ञासा ही नहीं थी बल्कि वे इस विषय में उत्सुक थे कि अर्जुन किसी तरह से युद्ध को लड़ने को तैयार ना हो। इसलिए धृतराष्ट्र कि यह स्वाभाविक जिज्ञासा के उत्तर में संजय ने यह कहा कि परंतप यानी शत्रुओं को तपाने वाला यह जो अर्जुन है यानी जो धवल विचार और चरित्र का व्यक्ति है, वह कहता है कि और किसको कहता है, ऋषिकेश को, ऋषि कहते हैं इंद्रिय को, तो जो इंद्रियों का जो ईश है जो स्वामी है, पहले विष्णु को कहा जाता है लेकिन यहाँ पर तो भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है, रैभ्य ऋषि ने तपस्या की थी और अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल की थी, यानी अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मत्सर अहंकार इनके ऊपर जो जीत हासिल कर देता है उन्हें अपनी इंद्रियों का जीता हुआ माना जाता है। तो रैभ्य ऋषि ने यह हासिल किया था, उनको भगवान विष्णु ने ऋषिकेश की भी उपाधि दी थी, वही विकृत होकर के आज का जो उत्तराखंड जो ऋषिकेश है वह ऋषिकेश का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो अर्जुन यहाँ पर ऋषिकेश को यानी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि हे गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है जो दिव्य किरणों का स्वामी है। गो सिर्फ गाय के लिए प्रयोग नहीं होता है, गाय के लिए भी अगर कहेंगे तो यहाँ पर जो है कि जो गायों का स्वामी है वह होगा, तब तो ऐसे ग्वाले लोग भी गोविंद कहे जाएंगे, परंतु उसका यह अर्थ या नहीं है। गोविंद का अर्थ है जो दिव्य किरणों का स्वामी है, जो ज्ञान की किरणों का स्वामी है, जो ज्ञान के रश्मियों का इस विश्व में जितने भी ज्ञान विज्ञान की जो रश्मियां हैं उनका जो स्वामी है वो गोविंद है। तो उनको परम ज्ञानी, यहाँ पर गोविंद कहने का अर्थ यही है कि अर्जुन भगवान को परम ज्ञानी मान करके कह रहे हैं कि हे गोविंद,
मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि सामने में हमारे कुल के ही लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, इनके विरुद्ध मैं कैसे हथियार उठाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं कुछ और कार्य कर लूं, यहाँ तक कि भिक्षा भी कर लूं या कहीं जाके मर खप जाऊं। परंतु इस युद्ध को करके, उनको मार करके मैं सत्ता सुख नहीं भोगना चाहता। यह अर्जुन का उद्घोष था, और यह कह करके कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, अर्जुन ने रथ पर अपने धनुष बाण तरकस सब रख दिए। यानी एक तरह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और किसी अन्य के सामने नहीं बल्कि खुद के ही सामने। यानी वह स्वयं से हार गया। शत्रुओं से क्या हारता, स्वयं से ही हार गया। अपने ही मोह के वशीभूत होकर के हार मान लिया उसने। और जब व्यक्ति स्वयं से हार जाता है तो यह जो मनोवैज्ञानिक उस पर प्रताड़ना होती है, जो मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न होता है, और जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो उसमें हीन भावना हो जाती है और कायरता आ जाती है, इससे उबारना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये किसी प्रकार के टॉनिक से नहीं उबर सकता। यह सिर्फ एक अच्छी मंत्रणा से और सद्गुरु के दिव्य वचनों से और दिव्य एहसास से ही संभव है कि इतने महासागर जैसे सेनाओं के बीच में जो खड़ा है, वहाँ पर जिसका कलेजा बैठ गया है, उसको पुनः उठा करके एक विजेता बनाना, ये कोई हंसी खेल नहीं है। पलायनवादी बहुत सारे धर्म हुए जो भाग करके उपदेश देते हैं, भाग जाना सिखाते हैं, घर से भाग जाओ, हिमालय पहुंच जाओ। बौद्ध जैन ने बहुत सारे त्याग की बात की थी उन सब मतावलंबियों ने, लेकिन युद्ध की भूमि में स्थिर होना, युद्ध के मैदान में शांत होना, अपनी कायरता को नहीं छोड़, कायरता को त्याग देना, वीरता को ग्रहण करना, और स्वयं के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए कार्य करना, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको भगवान कैसे सुलझाते हैं। यही भगवान कृष्ण की महानता है जो बाकियों से इन्हें बिल्कुल विलक्षण बनाती है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, यही यहाँ पर इस श्लोक का मंतव्य था। ओम हरि।